नंद बाबा की नगरी नंदगांव में जैसे जैसे जन्माष्टमी पर्व नजदीक आता जा रहा है, रौनक बढ़ती जा रही है। नंदगांव के विश्व प्रसिद्ध नंद बाबा मंदिर में इन दिनों जन्माष्टमी की बधाइयां आनंद और उल्लास के साथ गाई जा रही हैं, जो कि नंद महोत्सव पर्यंत पारंपरिक रूप से चलेगी। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्म यूं तो मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। जन्म लेते ही कृष्ण के पिता वसुदेव उन्हें रात्रि में गोकुल नंद यशोदा के पास छोड़ आए। बाल कृष्ण भगवान 2 वर्ष 3 दिन तक यमुना पार गोकुल में रहे और उसके बाद कंस के राक्षसों के डर की वजह से उनके पाल्य नंद यशोदा उन्हें बरसाना के समीप नंदगांव में ले आए। नंद बाबा नंदगांव नंदीश्वर पर्वत पर कृष्ण बलराम को लेकर ब्रजवासियों संग आनंद से रहने लगे। श्री कृष्ण बलराम नंदगांव में 9 वर्ष 49 दिन तक रहे और यहीं रहते हुए उन्होंने गौचरण, गोपियों संग महारास, होली, गिरिराज धारण लीला, कंस के विभिन्न राक्षसों का वध, काली मर्दन आदि समस्त ब्रज की लीलाएं संपन्न की। कन्हैया की अनेकों लीलाओं का साक्षी नंदगांव भगवान कृष्ण के प्रेम और माधुर्य से सिंचित बड़ी ही दिव्य भूमि है। यही वजह है कि कन्हैया का जन्मोत्सव नंदगांव में बड़े ही अनूठे और प्रेम भरे अंदाज में मनाया जाता है। यहां रक्षाबंधन से नंद महोत्सव तक रोजाना ठाकुर जी की जन्म की बधाइयों का गायन परंपरागत रूप से गोस्वामी गणों द्वारा शास्त्रीय संगीत की विद्या के साथ किया जाता है। दूरदराज के श्रद्धालु नंदराम के इस अनोखी भूमि के दर्शन करने आते हैं। नंदगांव के प्रसिद्ध नंद बाबा मंदिर में रोजाना श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्रद्धालु यहां आकर स्वयं को बड़ा ही भाग्यशाली मानते हैं। बहुत अच्छा लगा, जैसे गोपी कान सब हमारे आगे पीछे घूमते हैं और इतना फीलिंग्स आता है कि हमें ऐसा लगता है इधर ही रुक जाए काना, शायद फिजिकली दिख जाए हमको। गोपाल मंदिर, यहाँ गोपाल जी का वो, गोपाल जी मेरे को इतना तो नहीं था लेकिन फिर भी आके बहुत काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी जानकारी मिलती है हम लोग को। क्या पहले वो होता था ना कि बुक बुक पढ़ के इतना मिल पाता था। नंदगांव के बारे में सुना था अब तक? हाँ, अब तक सुना था, आज देख भी लिया। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मथुरा वृंदावन के मंदिरों के दर्शन किए और ये नंदगांव गाँव है तो क्या अंतर लग रहा है यहाँ? वो तो सब अपनी अपनी जगह की मंदिरों के, जो है वृंदावन का मंदिर अपनी जगह है, नंदगांव अपनी जगह, सबका वो है ना, जिस तरीके से यहाँ जो कृष्ण भगवान जहाँ पे था वो थे वो उनकी जगह का है। अच्छा फीलिंग हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है पूरा नंदगांव देख के। यहाँ पूरी ऊंचाई से एक साथ पूरा गाँव दिख रहा है और भगवान के बहुत प्यारे दिख रहे हैं यहाँ पर, जिनको देख कर मन में मतलब एक शांति सी फीलिंग हो रही है। क्या जाना, यहाँ क्या पता चला कि नंदगांव क्यों बसाया, भगवान ने क्या लीला की, कुछ मालूम? तो नहीं पता, नंदगांव में भगवान का पालन पोषण हुआ था बचपन में, जब वो कंस के कारागार से नंद उनको उनके पिताजी यहाँ पे लेके आए थे नंद बाबा के। ये अभी सभी जगह 2 दिन हुए हैं, अभी 2 दिन से घूम रहे हैं, सभी जगह दर्शन कर रहे हैं। आज नंदगांव में हो आप, कैसा लगा नंदगांव आना? बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही। अगर मैं एक वाक्य में पूछूं तो दर्शन किए क्या खासियत आपको लगे? अलौकिक कुछ लगता है कि नहीं, कुछ है इसमें, यहाँ पे आना तो चाहिए, एक बार तो आना ही चाहिए। कैसे पता लगा नंदगांव में, ब्रज में नंदगांव भी, आपको कैसे पता लगा? ओ, हमारे रिलेटिव्स यहाँ पे रह रहे चतिपुरा में, तो उसने बताया था। और ब्रज हम जो सब गुजरात में रहते हैं वैष्णव लोग, हम लोग सभी लोग से पता चलता है और इसी हिसाब से यहीं पे आए हैं। तो
आप दोबारा भी आओगे? फिर यार दोबारा भी आओगे अगर बुलाएंगे तो। मेरा तो बहुत ही सरप्राइजिंग हुआ क्योंकि मेरा ग्रुप जा रहा था, मैं नहीं आ रही थी। मैंने 2 ही घंटे में तत्काल टिकट ली और मैं आई, और बहुत बढ़िया गोवर्धन के दर्शन भी बहुत बढ़िया हुए। नंदगांव मंदिर में 30 अगस्त को जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी और फिर अगले दिन 31 अगस्त को नंद महोत्सव की धूम नंद भवन में रहेगी। नंद बाबा मंदिर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में मंदिर के सेवाएं जारी लोकेश गोस्वामी ने जानकारी दी। हमारे यहाँ ठाकुर जी का जो जन्माष्टमी महोत्सव है वो पूरे दुनिया से बहुत आत्मधन्य आनंद में मनाया जाता है, जो कि रक्षाबंधन से लेकर के और नंदोत्सव तक ये उत्सव चलता है। सुबह और शाम दोनों समय हमारे यहाँ बधाई गायन ब्रजवासियों द्वारा, गोस्वामियों द्वारा यहाँ पे होता है, जिसमें दोपहर में अलग पद गाए जाते हैं और संध्या के समय अलग पद गाए जाते हैं ठाकुर जी। और जन्माष्टमी के दिन बहुत बड़े धूमधाम से उत्सव होता है, क्योंकि पिछली वर्ष लॉकडाउन रहा तो इतनी धूमधाम से नहीं मना पाए, अंदर अंदर ही सेवा चली ठाकुर जी की। इस समय योगी सरकार के द्वारा बहुत ही कोरोना वायरस को रोकते हुए और यहाँ पे थोड़ी छूट मिली हुई है, भक्त भी आ रहे हैं, श्रद्धालु भी आ रहे हैं, तो उनको सबको साथ में लेकर के नंदगांव के गोस्वामी समाज गायन ठाकुर जी का लीला और यहाँ बड़े धूमधाम से उत्सव। जन्माष्टमी को क्या उत्सव होता है? जन्माष्टमी के दिन यहाँ ठाकुर जी की भाँड बधाई लीला होती है, अभिषेक होगा रात को, संध्या को सब 4 बजे नंदगांव बरसाना के दोनों गोस्वामी मिलकर के यहाँ समाज गायन, और अगले दिन नंदोत्सव में भी ठाकुर जी को वही लीला चलेगी। बहुत बड़े धूमधाम से ठाकुर जी को कृष्ण बलराम को झूला में लाएंगे सुबह 9 बजे से लेकर के। पालने के दर्शन होंगे? आने पालने के दर्शन होंगे, और बरसाना के गोस्वामी आएंगे बधाई लेकर के, बाबा को नंद बाबा को बधाई देंगे कि बबा आपके यहाँ पुत्र हुआ है। ब्रज 84 कोस में 4 धाम निज धाम वृंदावन और मधुपुरी बरसाना नंदगांव। वास्तव में भगवान कृष्ण की इस क्रीड़ा भूमि नंदगांव का अलग ही महत्व है। कृष्ण ने यहाँ पर 9 वर्ष 49 दिन रहकर अपनी अनेकों लीलाएं की हैं, और यही वजह है कि आज देश विदेश के श्रद्धालु नंदगांव की ओर खींचे चले आते हैं। और जन्माष्टमी यहाँ का मुख्य पर्व है, और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जन्माष्टमी का दिन नज़दीक आता जा रहा है यहाँ आनंद और उल्लास बढ़ता जा रहा है। परंपरा के अनुसार उत्सव मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के दिन रात्रि को यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, अभिषेक होगा, और अगले दिन नंदोत्सव नंदगांव का अपने आप में विशेष है। तो आइए आप एक बार जरूर नंदगांव आएं और नंदगांव के इस नंदोत्सव का आनंद उठाएं। एक बार अगर आप नंदोत्सव में शामिल हो गए तो कभी भी नंदगांव और नंदगांव के इस नंदोत्सव को कभी नहीं भूलें। जी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ सुशील गोस्वामी, मधुबनी।